अजय देवगन और तब्बू द्वारा स्टार फिल्म ओरो में कहां दम तक का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, तो कैसा है ये ट्रेलर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रेलर के अंदर में ये दिखाया है कि अजय देवगन के कैरेक्टर ने दो लोगों का मर्डर कर दिया है लगभग 20 से 22 साल पहले, जिसकी वजह से वो जेल में थे। और अब जेल के बाहर आने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो तब्बू के कैरेक्टर से प्यार करता है, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको जेल हो जाती है। तो उस रात उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसको जेल हुई है, ये हमें दिखाया जाएगा फिल्म के अंदर। वैसे ये ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है, ये ट्रेलर मुझे काफी सिंपल लगा, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाली। फिल्म के बारे में हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, इस ट्रेलर को इस तरह से काटा गया है कि ज्यादा कुछ रिवील ना हो। और एक चीज, ट्रेलर के अंदर तब्बू के कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिसको देखकर शक होता है कि ये सही से इतनी ज्यादा रोमांटिक ड्रामा फिल्म नहीं होगी। और इसके अलावा जो ट्रेलर का म्यूजिक था ना, और वो जो गाने थे, वो पर्सनली मुझे काफी अच्छे लगे। लेकिन यार, इस ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसा वाव मोमेंट नहीं था, बस ट्रेलर स्टार्ट होता है, चलता है और खत्म भी हो जाता है, कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। तो ओरो में कहां दम तक का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, और मैं एक्साइटेड हूँ तब्बू और अजय देवगन की जोड़ी को एक साथ देखने के लिए। वैसे इनकी जितनी भी साथ में फिल्में आई है ना, वो काफी अच्छी गई हैं, तो उनसे उम्मीद तो है। लेकिन ट्रेलर लेवल पर ये फिल्म की इतनी हाइप नहीं बढ़ा पाया है, इनको सही से सेकंड ट्रेलर भी निकालना होगा। वैसे ये फिल्म रिलीज हो रही है 5 जुलाई को, तो गाइस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। और हाँ, अगर आपने भी ये ट्रेलर देखा है तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।